हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज हम लोग अपने ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं रायगढ़ से रायपुर के लिए। आइए मैं आप सबका इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने फ्रेंड से, और किस गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक ये क्रिटेश भाई जा रहे हैं हमारे साथ में। मेरा एक और फ्रेंड आ चुका है, मिल लीजिए आप लोग एक और फ्रेंड से, ये रवि भाई। और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग ये गाड़ी से जाने वाले हैं, किस गाड़ी से हम लोग जाने वाले हैं ब्रेजा से। तो चलिए अपने ट्रिप की शुरुआत करते हैं, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ में। अभी हम लोग गुजर रहे हैं चंद्रपुर पुल से। ये देखिए महानदी का नज़ारा। अभी हम लोग डीजल डलवाने के लिए रुके हुए हैं। ये देखिए ये कहीं सराईपाली के आसपास में। अभी हम लोग अभी सराईपाली पहुंचने में समय लगेगा, सराईपाली पहुंच करके इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं सराईपाली। आउटर से हम लोग निकल रहे हैं। ये सराईपाली का बाईपास अभी हम लोग पहुँचे हैं सराईपाली और रायपुर रोड में। हाईवे पे नेशनल हाईवे है, और ये अभी बीच रास्ते में हम लोग रुके हुए हैं कुछ खाने होने के लिए। ये रवि भाई, और ये एक हाईवे पे हाईवे नेस्ट मिनी एक छोटा रेस्टोरेंट है। ये छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे भी ये देखिए यहाँ पे भालू प्रसाद खाने के लिए आते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये मंदिर। अंदर में है, यहाँ से शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा पहाड़ एरिया है। ये देखिए मंदिर, और पीछे पूरा पहाड़ है। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ पे जब भी प्रसाद का समय होता है भालू खुद ब खुद चले आते हैं प्रसाद खाने के लिए। ये हम लोग अभी महासमुंद पहुँचने वाले हैं। महासमुंद का ये रेलवे ब्रिज, और महासमुंद के नदी का नाम तो पता नहीं है, बट अभी हम लोग नदी के ऊपर से पार हो रहे हैं। बहुत लंबी नदी है ये। ये हम लोग फ्रेंड्स रायपुर पहुंच चुके हैं, और ये रायपुर का मैग्नेटो मॉल देख लीजिए आप लोग। रायपुर सिटी हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ रुकते हैं रायपुर सिटी में, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को नया चीज। करेंसी टावर साइप्रस।
ये अभी हम लोग बूढ़ा तालाब पहुंच चुके हैं। शाम को बहुत ही बढ़िया माहौल रहता है यहाँ पे, ये देखिए मोर रायपुर। शाम को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है। ये हम लोग अब रायपुर में पहुँच चुके हैं और रायपुर में हम लोग खा रहे हैं फेमस तरी पोहा। आप सब कमेंट करके बताइएगा कि किसको किसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी हम लोग आए हैं स्टील प्लांट में, जितेंद्र भाई के यहाँ पे कुछ काम था। ये देखिए स्टील प्लांट, स्टील एसएस रेलिंग की जो प्लांट होती है यहाँ पे काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे चीज़ें। ये देख लीजिए फ्रेंड आप लोग, हम लोग आ चुके हैं अभी रायपुर के सिटी मॉल में। ये कुछ यहाँ का नज़ारा है, क्या मस्त दिख रहा है। बस अब यहाँ तक घूमना हो चुका है, बाहर जा रहे हैं हम लोग। जल्दी मैग्नेटो मॉल फाइनली, बाय बाय मैग्नेटो मॉल। हम लोग फाइनली रायगढ़ निकल ही रहे थे कि बीच रास्ते में हमको दिखा एक मस्त सा ढाबा, केसरिया ढाबा। अभी ये बैक साइड का लोकेशन है, आप लोगों को मैं फ्रंट से भी दिखाता हूँ एक बार। ये इसका बैक साइड का लोकेशन देख लीजिए, कितना बड़ा एरिया है। ये देखिए ये पूरा एरिया केसरिया ढाबा रायपुर रायगढ़ रोड में। ये देखिए इसका मेन्यू बैक साइड का, मैं आप लोगों को फ्रंट साइड से भी एक बार दिखाता हूँ। ये फ्रंट का एरिया इनका केसरिया ढाबा, क्या मस्त सा लोकेशन है रायपुर रायगढ़ रोड में। ये देखिए पूरा गार्डन एरिया। अभी इनका अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ, इनका सीटिंग अरेंजमेंट। ये देखिए इनका सीटिंग अरेंजमेंट और ये अंदर किचन। देखिए फाइनली हम लोग का ऑर्डर आ चुका है, सेव टमाटर, लहसुनी दाल, लहसुनी नान और बटर नान। और मैं अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ फाइनली, मटन बिरयानी का। मटन बिरयानी आता है फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मटन बिरयानी कैसा है। फाइनली मेरा मटन बिरयानी आ चुका है, वेज खाने का तो टेस्ट बहुत बढ़िया है। देखते हैं मटन बिरयानी कैसा है।